हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ सीकम और अपेंडिक्स। तो आपको पता होगा सीकम और अपेंडिक्स को कौन सप्लाई करती है? इलियोकोलिक आर्टरी। और इलियोकोलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। और हमने आपको बताया था सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी वाले लेक्चर में कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे इस डायग्राम के थ्रू बताया था आपको कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की 6 ब्रांचेज होती है और कौन कौन सी है। तो आप सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की सारी ब्रांचेज देखने के लिए आप पहले वाली वीडियो को देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच है इलियोकोलिक, जो कि है राइट साइड वाली। इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है? तो देखिए, इलियोकोलिक आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है दो पार्ट में। इसका एक होता है सुपीरियर डिवीजन, एक होता है इन्फीरियर डिवीजन। ओके, सुपीरियर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक, इन्फीरियर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक। और इन्फीरियर डिवीजन आगे जाके चार पार्ट में डिवाइड होता है। चार पार्ट कौन से? तो देखिए, आपको पता होगा ये क्या है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये क्या है, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट। ओके, तो ये क्या है, सीकम। तो ये सप्लाई करेगी कौन सा, जो इसका इन्फीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करेगा सीकम को। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो दो आर्टरीज है ये किसके लिए है, सीकम के लिए। ओके, देखिए फर्स्ट और सेकेंड, ये दो आर्टरीज किसके लिए है, सीकम के लिए है। और इसके बाद एक आर्टरी जाएगी किसको, अपेंडिक्स को। ओके, अपेंडिक्स को जाएगी किसको, पीछे। ओके, जो कि ये है ना इलियर, दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। इस टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के पीछे होके जाएगी, पीछे से जाएगी कौन सी आर्टरी, अपेंडिकुलर आर्टरी। और ये अपेंडिकुलर आर्टरी क्या है, एक टाइप की एंड आर्टरी है। ओके, इसके बाद जो कि ये टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है, तो जिसका पोस्टीरियर डिवीजन है किसका, इन्फीरियर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। इससे कुछ ब्रांचेस निकलेगी किस किसके लिए, इलियल, सॉरी टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम के लिए। और उन ब्रांचेस को क्या नाम देंगे हम, इलियल ब्रांच। तो देखिए बेसिकली पूरा का पूरा ये तो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, दिस इज सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकली इलियोकोलिक, इलियोकोलिक को दो पार्ट में डिवाइड, दिस इज सुपीरियर डिवीजन, दिस इज इन्फीरियर डिवीजन। इन्फीरियर डिवीजन ने दी चार ब्रांचेज, 1 2 3 4। फर्स्ट कौन सी, देखिए सीकम है, ये पूरा पूरा सीकम है। इसके एंटीरियर होगी तो कौन सी, एंटीरियर सीकल आर्टरी। इसके जस्ट पीछे जाएगी, यहाँ पे डैश डैश शो हुआ हुआ है, मतलब डैश डैश से दर्शाया हुआ है, तो दिस इज पोस्टीरियर, मतलब पीछे जा रही है, तो ये कौन सी होगी, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। इसके बाद देखिए जो कि अपेंडिकुलर आर्टरी, एक जाएगी अपेंडिकुलर आर्टरी किसके पीछे से, ये सीकम है, टर्मिनल पार्ट ऑफ सीकम है, इसके पीछे से जाएगी और अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी, पूरे के पूरे अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी। इसके बाद इससे कुछ ब्रांचेज निकलेगी किसको, इलियम को, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम को। तो देखिए पूरा का पूरा ड्रॉ किया हुआ है, इलियोकोलिक आर्टरी, असेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग से निकली चार, 1 2 3 4, एंटीरियर सीकल, पोस्टीरियर सीकल, अपेंडिकुलर आर्टरी और इलियल ब्रांच। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टरी सप्लाई ऑफ सीकम और अपेंडिक्स। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एब्डोमन के, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एब्डोमन की और आर्टरीज के बारे में बात करेंगे।